हम आज स्टार्ट करें एक नया प्लान, 27x40 का हाउस बिल्डिंग प्लान। तो इसमें हम क्या क्या रखा है देखिए, यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में रखा है, यहाँ पर ईस्ट साइड 4 BHK हाउस बिल्डिंग प्लान, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ओके। तो 4 BHK हाउस बिल्डिंग प्लान में आपको क्या क्या है, कैसे मैंने इसको यहाँ पर अरेंजमेंट किया, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर 27 फीट का इधर है और इधर हमने रखा है 40 फीट, ओके। 40 फीट इधर हमने रखा है, तो 40x27। तो इसमें हमने देखिए पहले पहले कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में देखिए यहीं पर जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर रखा है एक गेट, तो गेट हमने यहाँ पर रखा है पहले देखिए एक गेट। उसके बाद इस गेट को जो हमने इसके बाद यहाँ पर रखा है एक किचन, देखिए यहाँ पर रखा है किचन, यहाँ पर एक डोर, ठीक है। तो किचन का साइज हमने कितना रखा है, 6 फीट और बाय किधर रखा है, यहाँ पर 8 फीट, ओके। 6 फीट बाय 8 फीट, ओके। उसके बाद हमने क्या रखा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर रखा है ड्राइंग एंड डाइनिंग, यहाँ पर जो है 12 फीट, ओके। और इधर जो हमने रखा है यहाँ पर एक बेडरूम, बेडरूम फ्रंट में, तो बेडरूम 1 इसको हमने रखा है 10 फीट और इधर हमने रखा है 10 फीट, ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा है पूजा रूम, तो पूजा रूम का हमने जो डिस्टेंस रखा है यहीं पर 8 फीट, इधर जो हमने रखा है 6 फीट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा है एक बेडरूम, बेडरूम इसका भी साइज हमने रखा है 10 फीट, इधर हमने रखा है 10 फीट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने और एक बेडरूम रखा है, बेडरूम इधर हमने रखा है 10 फीट और इधर हमने रखा है 12 फीट। पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी हमने रखा है एक बेडरूम, बेडरूम इसका भी साइज 10 फीट, इधर 12 फीट, ओके, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने रखा है बाथ एंड लैट्रिन, ओके। इधर भी हमने रखा है 5 फीट 4 इंच और इधर हमने रखा है 8 फीट 6 इंच, ओके। उसके बाद हमने जो इधर जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 फीट 4 इंच का एक गैप हमने रखा है, इधर हम रखेंगे आप, तो इधर हम इसके नीचे हमने एक लैट्रिन रखा है, ठीक है। इधर एक डोर रखा है स्टेयर के नीचे, तो कॉमन लैट्रिन इधर रखा है, एक पूजा रूम इधर रखा है। अगर आप आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पर एक अलग सा एक लैट्रिन आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह है। तो उसके बाद हमने जो यहाँ पर रखा है एक वेटिंग, वेटिंग रूम, यहाँ पर एक डोर, तो यहाँ पर भी डोर, यहाँ पर डोर, डोर देखिए डोर, ओके। तो ये जो जगह है इधर हमने जो रखा है इधर से 6 फीट 4 इंच, ओके, इधर। तो उसके बाद हमने ये जो वेटिंग रूम है इसका साइज रखा है इधर 10 फीट, ओके, 10 फीट। और इधर जो बाकी जो जगह बचा हुआ है टोटल, उसका हमने यहाँ पर रखा है, कितना है देखिए, तो इधर हमने रखा है 15 फीट 9 इंच। तो बाकी जो जगह इससे माइनस करके आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्लान आप देख बार देख लीजिए, आपको बेडरूम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 4 बेडरूम आपको मिल गया, एक बाथ डब्ल्यू सी, एक बाथ एंड लैट्रिन और स्टेयर के नीचे एक लैट्रिन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। उसके बाद यहाँ पर पूजा रूम है, यहाँ पर किचन है, जो जो आपको चाहिए, तो यहाँ पर साउथ, ओके, यहाँ पर नॉर्थ पोजीशन, तो एज पर वास्तु मैंने जितना हो सके इसके ऊपर प्रोवाइड किया। पूजा रूम यहाँ होना चाहिए लेकिन इसको मैंने मिडिल में अंदर कर दिया, क्योंकि 2 बेडरूम के अंदर पूजा रूम अच्छा रहेगा, ठीक है। यही जो प्लान है इसमें, उसके बाद हम क्या आपके साथ शेयर करेंगे, कॉलम पोजीशन। चलिए तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कॉलम पोजीशन, अब देखिए कॉलम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, तो कॉलम जो है 10 इंच बाय 10 इंच का, और इधर जो बिल्डिंग का जो प्लान है कितना कितना, 27
सेवन फीट इंटू 40, ओके, ये आपका हाउस बिल्डिंग प्लान। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।